हेलो फ्रेंड्स, शांति शानी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ब्रेड चॉकलेट पॉकेट बनाएंगे, जो बहुत ही इजी है बनाना, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। अगर आप बनाते हैं एक बार जरूर बनाकर घर में ट्राई करें। देखिए कितनी अच्छी तरीके से चॉकलेट मेल्ट होकर, देखिए एकदम खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है। आप उनको घर में बनाकर जरूर एक बार खिलाएं, वो बहुत पसंद करेंगे। हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये ब्रेड ली, किसी भी गिलास से या कटोरी के साइज के हम इसकी स्लाइस निकालेंगे। आप किसी से भी गिलास से देखिए या कटोरी से हमने निकाल लिया पीस, ब्रेड के किनारे निकाल देंगे। इस किनारे को आप यूज में ले सकते हैं ब्रेड क्रम बनाने के में। ये देखिए दूसरा भी हमने इस तरीके से निकाल लिया और ये हमने सारे बनाकर रख रखे हैं। देखिए इस तरीके से सारे पीस इकट्ठे कर लें बनाकर पहले, और अब इनमें से हम दो पीस करेंगे कैंची से या कटर से, आप नाइफ की सहायता से इन्हें दो पीस में कर लें और हम इन्हें इस तरीके से तिकोना ट्रायंगल शेप देते हुए चॉकलेट रखी है हमने। आप चाहें तो डार्क या कोई ब्राउन कैसी भी चॉकलेट यूज में ले सकते हैं, जो पसंद करते हो। और थोड़ा सा साइड से हम पानी लगाते जाएंगे जो चिपकने में सहायता दे सकते हैं। देखिए इस तरीके से पानी लगाते जाएं और साइड को प्रेस करते जाएं तो इससे इजीली किनारे चिपक जाते हैं। बस, और ये हमारी देखिए रेड चॉकलेट पॉकेट बनकर तैयार हो गया है। ऐसे दूसरा बनाकर दिखाते हैं। चॉकलेट रखेंगे, इसको इस तरीके से तिकोना करेंगे प्रेस करते हुए, थोड़ा सा पानी लगाते जाएं, जब पानी से वो अच्छी तरीके से सेट हो जाता है, चिपक जाता है। इस तरीके से हम सभी ब्रेड चॉकलेट पॉकेट तैयार कर लेंगे बनाकर। ये हमने बना ली है, छह बनाकर तैयार करी है। अब इनको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। ऑयल हमें अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। ये देखिए मैंने कढ़ाई गैस पर रख रखी है, इसमें ऑयल डाल दिया है, खूब अच्छा गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक एक करके सारे ब्रेड चॉकलेट पॉकेट्स डाल देंगे और एकदम डार्क ब्राउन तक इनको इसमें फ्राई करेंगे। बहुत जल्दी 2 मिनट में ही सिककर तैयार हो जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस थोड़ा सा इसके ऊपर ऑयल डालते जाएं और अब हम इनको एक एक करके पलटते जाएंगे। देखिए कितने अच्छी तरीके से ब्राउन हो गए। सब इसी तरीके से पलट लें, सिकने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हमने ये सारी ही सिककर तैयार हो गई बहुत अच्छी तरीके से। और आप ये निकाल लेते हैं एक एक, चाहे तो आप टिश्यू पेपर में निकालें, उसे ऐसा इस्तेमाल अच्छे निकल जाए। तैयार हो गई है बनकर, बहुत ही खाने में क्रिस्पी लगती है, बहुत क्रिस्पी बनती है और फटाफट बच्चों को कभी भी छोटी मोटी भूखों को तुरंत बनाकर आप खिला सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, हमने इनको इसको काट कर दिखाया है। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी कोई भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।